मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर नंबर 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिए हैं और आज चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में आपको एक्चुअली वर्ब के बारे में पता है, आई मीन वर्ब। जैसा कि आपने वर्ब के बारे में अपने प्रीवियस क्लासेस में स्टडी की होगी कि वर्ब्स जो होते हैं मेनली टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है मेन वर्ब और दूसरा होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को दूसरे वर्ड में, दूसरे शब्दों में हम एक्टिव वर्ब के नाम से जानते हैं। तो आज इस वीडियो में लोग एक्टिव वर्ब को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना समय वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं कि एक्टिव वर्ब क्या होता है, एक्टिव वर्ब्स कौन से होते हैं और उनके बीच डिफरेंस क्या होता है। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग आज के वीडियो में चैप्टर नंबर 4 को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर का जो टॉपिक है वह है ऑक्सिलरी ऑक्सिलरीज वर्ब। ओके, तो सबसे पहले मैं बता दूँ आप कि देखिए जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है और जो मेन वर्ब होता है, यानी वो मेन वर्ब के टू टाइप्स होते हैं मुख्य रूप से, एक मेन वर्ब और दूसरा एक्टिव वर्ब। तो मेन वर्ब आप सेंटेंस के मेन काम को दर्शाने वाली क्रिया को कहते हो, बट ऐसी क्रिया है जो मेन वर्ब को हेल्प करती है उसके टेंस को पूरा करने में, करेक्ट रखने में, उसे आप हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, यानी एक्टिव वर्ब कहते हैं। एक्टिव वर्ब क्या होता है वो तो सभी लोग जान ही चुके हैं कि द वर्ब, ओके, व्हिच helps, which helps the main verb to complete its meaning, having the right tense, having correct. ओके, जो सही सेंटेंस रहते हुए यदि किसी मेन वर्ब की मदद कर रहा है उसके तालीम को, उसके मेन को, उसके अर्थ को पूरा करने में, वो आपका एक्टिव वर्ब हो जाता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ एक्टिव वर्ब, यानी कि एक्टिव वर्ब कौन कौन सी होती है, कितने प्रकार की होती है। तो मैं आपको बता दूँ कि एक्टिव वर्ब जो होते हैं वैसे तो दो प्रकार के, ठीक है, दो ही होते हैं। ओके, कौन कौन से, एक होता है आपका फ्रेंडली एक्टिव वर्ब। ओके, एंड सेकेंड होता है मोडस एक्टिव वर्ब। ओके, फ्रेंडली एक्टिव वर्ब और मोडस एक्टिव वर्ब की बात करें तो मैं आपको बता दूँ कि प्राइमरी एक्टिव वर्ब जो होता है ये केवल नंबर 3 होता है, बी है एंड डू, ये 3 होता है जिन्हें आप प्राइमरी एक्टिव वर्ब कहते हैं। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है प्राइमरी और मोडस में, मैं आपको अभी बता देता हूँ। उससे पहले आपको हम बता देता हूँ जिसे आप ध्यान से देख के समझ लें कि प्राइमरी एक्टिव वर्ब जो होता है ये 3 होते हैं, बट इनके फॉर्म्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। बी फॉर्म का मतलब, ठीक है, क्या बी फॉर्म क्या मतलब, इसके बहुत से रूप होते हैं जैसे बी है, एम, आर, वास और वर। ठीक है, ये सभी जो है आपको देखना है, ये सभी बी फॉर्म के अंतर्गत आते हैं। ये सारी क्रियाएँ प्राइमरी होती हैं और हैव के अंतर्गत बी होता है, एक हैव टू होता है, एक टू होता है, सॉरी एक हैज होता है और एक हैड होता है। ठीक है, ये भी प्राइमरी एक्टिव वर्ब हैव का फॉर्म है, टू का फॉर्म डू होता है, डज और डी होता है, ये सभी। ठीक है, अब काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। सो ये ऑर्डर प्राइमरी एक्टिव वर्ब यहाँ पे लिखते हैं 11। ओके, याद रखिए इसको। नेक्स्ट मोडास की अगर बात करते हैं तो मोडास एक्टिव वर्ब जो होते हैं यह 13 होते हैं, 13 होते हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती
जैसे आपका फ्यूचर टेंस के यूज करते हो आप विल, ठीक है, और एक सेल होता है, ये मोडास एग्रीगेट फॉर्म होते हैं। सेल और विल के और भी फॉर्म्स होते हैं, पास्ट फॉर्म, ठीक है, और पास्ट फ्यूचर जो होता है सेल का शुरू होता है, ठीक है। अब इसी तरह से और भी होते हैं, जैसे कैन होता है, ठीक है, कुड होता है, नेम होता है, ठीक है, माइंड होता है, ओके, मस्ट, ठीक है, कितने हो गए, देखते हैं, ठीक है, नाइन, ओके, नाइन। नेक्स्ट अभी आपके जो इवेंट है वो होता है नीड, डेयर, यूज, टू, ओके। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व, एक और होता है, ठीक है, एक और सौ रुपया होता है विल कुड कैन टू मे माई सेल्फ सो, ओके, मस्ट, एक होता है आर आर टू, ठीक है, ये जो होता है आप देख रहे हैं इन्हें हम मोडास एब्सोल्यूटली वर्ब कहते हैं, ओके। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इंग्लिश ग्रामर जो है लिमिटेड नहीं, या दिन प्रतिदिन इसमें कुछ न कुछ एक विशेष चीज़ें आती रहती हैं, उन विशेष चीज़ों के बारे में भी हम बात करें कि एब्सोल्यूट वर्ब में वो विशेष चीज़ क्या है, तो मैं आपको बता दूँ। अब जो है इस मॉडर्न टाइम में एब्सोल्यूट वर्ब्स को थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इसको थ्री टाइप्स कर दिए गए, एक प्राइमरी एब्सोल्यूट वर्ब बोला जाता है, दूसरा मोडास, और तीसरा जो है इसे हम कहते हैं मार्जिनल एब्सोल्यूट वर्ब, ओके। अब मार्जिनल एब्सोल्यूट वर्ब क्या करते हैं जब बात करें, उससे पहले मैं बता दूँ एब्सोल्यूट वर्ब है जिनमें कोई क्वालिटी फोर नहीं होती, जैसे आप देख सकते हैं इलेवन यहाँ पे है और फोर्टीन सॉरी थर्टीन यहाँ पे है, कितने हो गए ट्वेंटी फोर, ये आपके एब्सोल्यूट वर्ब। और मनीषा ने बता दिया है कि मार्जिनल एब्सोल्यूट वर्ब भी होता है, बट यहाँ पर उन्होंने बताया ट्वेंटी फोर ही होते हैं एब्सोल्यूट, तो इलेवन प्राइमरी हो गए मोडास हो गए थर्टी, इसका टू ट्वेंटी फोर हो गया, यानी कि पूरे एब्सोल्यूट वर्ब को मैंने लिख दिया, मार्जिनल काम पे चला गया। तो जो मोडास एब्सोल्यूट वर्ब है इसमें जो यहाँ पे आप देख रहे हो नीड, डेयर और यूज, ये हम क्या कहते हैं मार्जिनल एब्सोल्यूट वर्ब कहते हैं आप, तो इस तरह से इसमें से थ्री माइनस हो जाता है और मोडास एब्सोल्यूट वर्ब फेल रह जाता है, थ्री जो है वो मार्जिनल एब्सोल्यूट वर्ब, ठीक है, कौन कौन से नीड यूज्ड और डेयर। अब यहाँ पर आपने जो देख लिया है एब्सोल्यूट वर्ब थ्री होते हैं कौन कौन सी होती है, लेकिन सबसे जो बड़ा क्वेश्चन है वह यह बच गया कि एब्सोल्यूट वर्ब थ्री होता है कौन कौन सी होती है, ठीक है, बट इन तीनों के बीच डिफरेंस क्या होता है, जी हाँ, ये सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मैं आपको, ठीक है, एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ कि एक्चुअली वर्ब्स के काइंड्स के बारे में, कि आपकी जो ये डाउट है बिल्कुल क्लियर हो जाए, तो चलिए ध्यान से सुन लीजिए और देखिए। अब यदि हम बात करते हैं कि प्राइमरी एक्चुअली वर्ब्स जो है ये क्या है, मतलब किस तरह से भाई ये मोडास मार्जिनल से डिफरेंस है, तो मैं आपको बता दूँ कि प्राइमरी एक्चुअली वर्ब्स ऐसी सहायक क्रियाएँ ऐसे हेल्पिंग वर्ब एक्चुअली वर्ब होते हैं जो सब्जेक्ट के नंबर्स के अनुसार और पर्सन के अनुसार, यानी सब्जेक्ट का नंबर का मतलब सिंगुलर हो गया प्लूरल, ओके, पर्सन हो गया, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सेकेंड या थर्ड पर्सन, जेंडर हो गया, इन सभी के अनुसार क्या होता है प्राइमरी एब्सोल्यूट वर्ब अपने फॉर्म को एक ही टेंस में बदल देता है, यानी कि वह एब्सोल्यूट वर्ब जो सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार पर्सन के अनुसार प्रभावित होकर अपने रूप को बदलता है वह प्राइमरी होता है, ओके, और ऐसे एब्सोल्यूट वर्ब्स जिन पे सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन का प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें कहते हैं मोडास एब्सोल्यूट वर्ब्स या मार्जिनल एब्सोल्यूट वर्ब्स, ठीक है, वो कैसे आपको हम यहाँ पे एग्जाम्पल दिखा दें, ओके गाइस, देख लीजिए बड़ा है, तो प्राइमरी की बात करते हैं, जैसे एक टेंस ले लो यार आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ले लो, ओके, एक ही टेंस, तो अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, ओके, आई सब्जेक्ट एम, ठीक है, एक ही टेंस,
अब मैं यहाँ पे सी लिख दूँ, सी इज अ स्टूडेंट। ओके, अब आपने क्या देखा, इसी चेंज को हमें क्या किया, यहाँ पे एक प्लूरल कह दिया या प्लस पर्सन कह दिया, यहाँ पे सिंगुलर हो गया, ये प्लूरल है, एम लगा है सिंगुलर, यहाँ पे क्या लग गया, इसी चेंज से किस लग गया। यदि यह प्लूरल फॉर्म अगर आप दूसरा लेते हैं जैसे दे के साथ क्या लगा, बिल्कुल सही आर, ठीक है, तो दे आर बॉयज। ओके, अब आपको क्या करना है होगा कि सब्जेक्ट जैसे जैसे अपने फॉर्म को करता है, एक क्या करता है गलती वर्ग को आपके एनर्जी वर्ग को प्रभावित कर रहा है, बी फॉर्म अलग अलग अपने रूप को दिखा रहा है। बट यदि मॉडल सेकेंडरी वर्ग या मात्र की बात करते हैं तो यह जो है सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे है आदि ये लो सीधे ये लो सेम सब्जेक्ट ये लो, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए, दे दीजिए। ओके, अब मैं आपको मात्र यूज करने या बड़ा समझ कर लेता हूँ, जैसे आई क्या स्पीक इंग्लिश, आई के स्पीक इंग्लिश। ओके, यहाँ पे आई के साथ क्या लगा है, सी कैन स्पीक इंग्लिश, सी कैन स्पीक इंग्लिश, क्या देखा आपने, सी के साथ भी क्या लगा कैन लगा है, आई के साथ क्या लगा कैन लगा है, डे के साथ क्या लगेगा कैन भी लगेगा। ओके, डे कैन स्पीक इंग्लिश। तो आपने क्या देखा कि ऐसे व्यक्ति जो सब्जेक्ट से प्रभावित नहीं होते इन्हें हम मॉडल्स कहते हैं, मॉडल सेकेंडरी वर्ब कहते हैं, और जो प्रभावित होते हैं अपने रूप को बदल देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राइमरी कहते हैं। तो आई होप कि आपको प्राइमरी और मॉडल्स के बीच के डिफरेंस समझ में आ गए। अब बची क्या बात कि मॉडल्स और लार्जर के बीच क्या डिफरेंस, आखिर क्या कहते हैं कि मॉडर्न टाइम में नीड देयर और यूज टू गो आप या हम मात्रम एडजेक्टिव वर्ब के नाम से जानते हैं, आखिर इसे क्यों अलग कर दिया गया है। अब देखो छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे सपोज कर लो कि आपके गांव में एक कम्युनिटी रहती है, कोई एक कम्युनिटी आपको यादव सिंह पंडित या जो भी रहते, यदि आपकी कम्युनिटी यादव की है या पंडित की है, उसमें यदि कोई भी बॉय या कोई भी गर्ल, ठीक है, या कोई भी फैमिली दूसरे कास्ट के, ठीक है, दूसरे कास्ट के किसी लड़के या लड़की से अपने परिवार के संबंध को जोड़ देते हैं तो लोग उन्हें क्या कहते हैं, बिल्कुल सही समझा आपको, उनको क्या कहते हैं, पुजार कहते हैं, राइट। सॉरी ऐसे वर्ड यूज करने के लिए, बट आपको समझाने के लिए एक क्लियर कंसेप्ट को करने के लिए जरूरी है। तो उन्हें क्या कहते हैं कि समुदाय से अपने अलग कर देते हैं, क्यों, क्योंकि वो क्या हो गए अब उनकी कम्युनिटी के नहीं रह जाते। कुछ इसी तरह से जो नीड है यूज है और डेयर, ओके, या क्या है मार्जिनल, ठीक है, जिस तरह से सब लोग कम्युनिटी से अपने उस फैमिली को बाहर फेंक देते हैं, अलग कर देते हैं, उसी तरह से क्या किया एक्चुअली वर्ब ने, ठीक है, इसे बाहर फेंक दिया। क्यों भाई, क्योंकि नीड यूज और डेयर जो है दोनों कार्य करता है, कौन सा, या मेन वर्ब का भी कार्य करता है और एक्चुअली वर्ब का भी कार्य, दोनों के रूप में इसका यूज किया जा सकता है। कैसे क्या करना है मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। पहले समझ लीजिए कि नीड यूज्ड और डेयर जो है ये एक्चुअली वर्ब का भी काम करता है और साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करता है। यही रीजन है कि इसको न तो प्राइमरी कहा जाता है न तो मॉडल्स, इन दोनों ने क्या किया है बिरादरी से उसे, या कह सकते हैं मॉडल्स ने इसे अपनी बिरादरी से बाहर फेंक दिया, उठा के इसे हम मात्र नाम से जानते हैं। तो इसको नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आराम से नोट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। ओके, जैसे देखा, जैसे एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे आ गया सी नीड्स मनी, उसे पैसे की जरूरत है। ओके, आपने क्या देखा कि यहाँ पे जरूरत की एक्शन वर्बिंग क्रिया के रूप में इसका यूज किया गया है। ओके, ओके है ना। अब यदि मेरी सेंटेंस अगर इसका बना दिया तो क्या हो जाएगा, आई सी नीड नॉट मनी, उसे पैसे की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप बताओ क्या एक वर्ब है, मेन वर्ब है जी, ये हैप्पी वर्ब। यदि आप डिफरेंट टेंस की बात करते हो या किसी भी टेंस की बात कर लो तो ये बताओ नॉट किसके बाद लगता है नेगेटिव सेंटेंस, बिल्कुल सही। यदि सेंटेंस अथॉरिटी का नेगेटिव है
तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करते हो, नॉट लगाते हो, ठीक है। इसी तरह से आपने यहाँ भी किया है, इस तरह से क्या है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। आप निगेटिव में इसका मेन वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हो, कैसे, सी डज नॉट नीड मनी। ओके, अब आपने यहाँ पर क्या देखा कि हेल्पिंग वर्ब को हमारा जो भी डज है और इसके बाद नॉट यूज किया, आपने इसका प्रयोग किस रूप में किया, मेन वर्ब के, ठीक है। इसी तरह से यूज टू और टेल का भी प्रयोग आप एज अ मेन वर्ब और हेल्पिंग दोनों ग्रुप में कर सकते हैं। इसलिए क्या किया गया, इसमें नया नाम दिया गया मोडाज को छोटा दिया आगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप चैप्टर नंबर जो आपको 4 है एडजेक्टिव वर्ब वो आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि कोई डाउट्स हो तो आप हमें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख दें या फिर आप हमें व्हाट्सएप करें या पर्सनली कॉल करके आप हमसे अपने डाउट्स को क्लियर करवा सकते हैं, यानी हम आपको बता देंगे, आपके क्लियर हो जाएगी डाउट्स। आई होप कि डाउट तो नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत ही आसान तरीके से हमने आपका चैप्टर नंबर 4 जो एडजेक्टिव वर्ब क्लियर कर दिया है। और इस चीज़ को आप नोट कर लें, आप कॉपी में अच्छी तरह सिंपल लें और समझ में आ गया तो आप बुक्स के जो एक्सरसाइज है सेल्फ आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इस चैप्टर के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।